अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बालापुर रोशनउद्दौला के एरिए में हूँ, जहाँ पे दो कुतुबशाही मकबरे हैं, काफ़ी ख़दीम हैं, जिसकी 6 एकड़ 18 गुंटे वक्फ ज़मीन है। ये उसकी गज़ीड है और गज़ीड का सीरियल नंबर है 2960, जिसके तहत दो मकबरे हैं, कुतुबशाही दो मकबरे हैं और उसकी ज़मीन है 6 एकड़ 18 गुंटे। यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इन मकबरों को भी गिराने का पूरा प्लान हो चुका है और पूरा इल्लीगल इंक्रोचमेंट हो चुका है। बाउंड्री खींच दिए, यहाँ पे सब खींच दिए, ना वक्फ बोर्ड एक्टिव हुई है ना कोई एक्टिव हुई है। मैं ख़ास तौर से ये वीडियो वक्फ बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के स्टाफ के लिए बना रहा हूँ, बोर्ड मेम्बर्स जो वक्फ बोर्ड का तहफ़ुज़ करेंगे बोले सो जो बोर्ड मेम्बर्स है उनके लिए बना रहा हूँ और कायदीन के लिए बना रहा हूँ जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाते बोले। तो मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ, अगर हम अपने वक्फ जायदादों को अगर नहीं बचाएंगे तो आगे फ्यूचर में सिर्फ बच्चों को किस्से और कहानियों में हमको सुनाना पड़ेगा कि हमारी वक्फ जायदाद होती थी। अब ये कुतुबशाही मस्जिद कब्रस्तान और कुतुबशाही ये गुम्बज़ खुद अपनी गवाही दे रहे हैं कि ये वक्फ जायदाद है और ये गज़ीड है जो नोटिफाइड गज़ीड होती है जो रेवेन्यू से और गवर्नमेंट से आती है। तो मैं अपील करता हूँ कि वक्फ बोर्ड इस पर इमीडिएट एक्शन ले और यहाँ के जो भी कायदीन हैं, जो भी लीडर वगैरह है, वो फ़ौरन इलीगल इंक्रोचमेंट करने वालों पे, जो डुप्लीकेट पेपर्स बना के इसकी प्लॉटिंग करने वालों पे, उन पे केसेस बुक कराइए और फ़ौरन ये लैंड को एक्वायर करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।